Thermodynamics, process which can take place without external work is known as spontaneous process, irreversible process. तो spontaneous process हमारा क्या है, जो process बिना external work के हो सकते हैं उन्हें ही नाम दिया जाता है spontaneous process. Example में the flow of water higher level to lower level, हमेशा water का flow high level से lower level होता है, तो वो process भी हमारा spontaneous होगा. The flow of water continue until the level become इक्वल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज अटेंड. फ्लो ऑफ वाटर जब तक होता रहेगा जब तक कि इसका स्तर बराबर ना हो जाए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम पर. सेकंड एग्जांपल, फ्लो ऑफ हीट, हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. ठीक, फ्लो ऑफ जो हीट होती है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ होती है. द फ्लो ऑफ विल कंटिन्यू अंटिल द टेम्परेचर बिकम इक्वल. फ्लो ऑफ हीट जब तक होता रहेगा जब तक कि उसका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए थर्मल इक्विलिब्रियम इज अटेंड, थर्मल इक्विलिब्रियम पर. ठीक है, ओके. तो अगर फर्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करें तो आपने देखा होगा पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ पानी, वो प्रोसेस हमारा कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें, कप में रखी हुई चाय, तो चाय का जो टेम्परेचर है वो हाई है. ठीक है, कंपेयर टू सराउंडिंग, तो हीट का फ्लो कहाँ होगा, चाय से सराउंडिंग की तरफ होगा. तो ये भी प्रोसेस हमारा कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. कैसा हुआ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. बात को समझते हैं.